तो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीत गेमिंग पर। तो आज हम करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का 14 पार्ट कंटिन्यू। तो यार, इस पार्ट के अंदर हम बनाने वाले हैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक शेल्स, और अपने एन्चेंटमेंट टेबल को करने वाले हैं अपग्रेड, और जिससे हम अपने अपने टूल्स पे एफिशिएंसी वगैरह लगा सकेंगे। तो मुझे अपने फॉर्चून चाहिए, अगर फॉर्चून मिल जाता है अपग्रेड करने से तो और भी अच्छा है, ताकि मैं अपने डायमंड को 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे उठा सकूँ। तो यार, अभी तो बार रात हो रही है, तो सबसे पहले चल के अपने बेडरूम में जाके हम सो जाते हैं और दिन कर लेते हैं। तो यार, दिन करके मैं आ चुका हूँ और मेरे पास नहीं है लेदर, तो सबसे पहले मुझे लेदर लेना होगा। और लेदर हमें मिलेगा गायों को मार के, तो जितनी भी काउस मिलेंगी मैं सबको मार दूंगा और उनसे ले लूँगा लेदर। और हमारे डॉग का भी अभी तक आप किसी ने नाम ने नहीं बताया है, तो जल्दी से जल्दी मुझे मुझे अपने डॉग के लिए कोई एक नाम बताओ जो कि मैं अपने डॉग का नाम रख सकें। तो यार, मैं अपने घर के पीछे आ चुका हूँ और मुझे दिख चुकी है एक काऊ, तो उसको जाके सबसे पहले मार देता हूँ और उससे ले लेता हूँ लेदर। तो यार, इसको 2 ही शॉट में मैंने मार दिया है और इससे मिल चुका है मुझे लेदर, तो नहीं मिला इससे, कभी कभी मिलता भी नहीं है और कभी कभी मिल भी जाता है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे और 2 काय दिख चुकी हैं, 2 निशा 1 है, नहीं 2 हैं, तो इनको मार देता हूँ। पहले ऊपर वाली को मारता हूँ, कहाँ भागती है। तो इससे मिल चुका है मुझे 1 लेदर। तो अभी नीचे वाली को भी मार देता हूँ, जंप करके उसके सीधा हेड शॉट देता हूँ। तो भाई, वो 1 में ही मर चुकी है, नहीं बच गई। तो यार, 3 लेदर मिल चुके हैं मुझे यहाँ पर, तो 2 और मिल चुकी है मुझे सामने जाके, तो उनको भी मार देता हूँ। तो इसको मार के मुझे कुछ नहीं मिला, एक एक भी लेदर नहीं मिला इससे, सिर्फ मुझे वही मिला होगा, बीफ मीट मिला होगा और कुछ नहीं मिला होगा इससे। तो एक ये आगे इसको भी मार देता हूँ, नीचे ना गिर जाए बस, नहीं तो मेरा। तो यार, 2 लेदर इससे ही मिल चुके हैं मुझे। तो किसी किसी गाय को मार के आपको 2 लेदर मिल जाएंगे, किसी किसी के से मार के मिलेगा भी नहीं। तो यार, अभी तो इधर कुछ नहीं है, तो भगते हैं फिर से अपने घर की ओर। तो यार, इधर मुझे थोड़ा सा कोल दिख चुका है, तो कोल को निकाल लेता हूँ जितना भी है। तो यार, इधर से सारा कॉल मैंने निकाल लिया है और चलते हैं थोड़ा सा जंगल के अंदर। अगर मुझे उधर मिल जाए कुछ काऊ वाऊ तो और मेरा थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो यार, उस साइड तो मुझे और काव नहीं मिली। तो यार, मैं इधर विलेज की ओर देख लेता हूँ, अगर विलेज के साइड मुझे कुछ मिल जाती है। तो यार, वो एक सामने दिखाई दे गई है, तो उसको भी मारता हूँ जाके। तो यार, इसको मारने से मुझे 1 और मिल चुका है लेदर। तो यार, एक उस तरफ ही दिखाई दे रही है, पर मैं उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने उसको भी मार दिया, अगर बाद में मेरे पास कुछ नहीं स्पॉन हुआ, तो जब मैं फार्मिंग करूंगा तो तब मुझे काऊ मिलेगी नहीं। तो यार, मैं आ चुका हूँ अपने घर के अंदर और अभी चल के बना लेते हैं अपने लिए बुक्स, और बुक से बनेंगी बुक शेल्फ।
एक्स्ट्रा बीफ मीट मैंने रख दिया है इधर, और कोल भी रख दिया है अपनी चेस्ट में। तो यार अभी मेरे पास सिर्फ लेदर है, और इसके लिए मुझे शायद से पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेपर नहीं है। तो पेपर मेरे पास रखा है चेस्ट में, तो वो इंचेंटमेंट टेबल के पास है, जो चेस्ट रखी है हमने उसमें है, तो इंचेंटमेंट रूम के अंदर, तो वहाँ पे चल के पहले पेपर उठा लेता हूँ। तो मैंने पेपर उठा लिया है, तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पे, और यहाँ पर आके बन जाएंगी मेरे पास 6 बुक्स। तो इनसे बनेंगी हमारी 2 बनेंगी बुक शेल्फ, जिनको हम रखेंगे ऊपर की साइड। तो मेरे पास प्लैंक्स भी रखे हैं, तो यार इसके साथ हमारी बन जाएगी 2 बुक शेल्फ। तो यार बुक शेल्फ मैंने बना ली हैं, तो अभी इनको चल के प्लेस कर देता हूँ, एक इधर साइड लेफ्ट में करूँगा और एक राइट में। तो यार मैंने प्लेस कर दी हैं। तो अभी सबसे पहले अपनी डायमंड की पिकक्स उठा के देख लेते हैं, और देखते हैं मैं उसके अंदर क्या मिलेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। तो यार पिकक्स मैंने रखी है, तो एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3 मिल रही है। तो यार एफिशिएंसी 3 मैं लगाऊंगा, पर थोड़ा बाद में लगाऊंगा लास्ट में। तो उससे पहले पहले सभी टूल्स पे चेक कर लेते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। तो और भी टूल उठा लेते हैं। तो यार अभी बुक पे देख लेते हैं बुक में क्या क्या मिल रहा है। तो बुक में शार्पनेस 1, प्रोटेक्चुअल 5 प्रोटेक्शन मिल रही है, और एफिशिएंसी 2 मिल रही है। तो अभी इनको मैं जरूरत नहीं है, तो बाद में लगाऊंगा। तो यार मेरे घर के अंदर आ चुका है एंडरमैन। अगर मैंने इसकी आँख में देख लिया, इसके सामने फेस टू फेस इसको देख लिया, तो ये मुझे बहुत पकड़ के मारने वाला है। तो अभी मैं इसकी साइड नहीं देखूंगा, मैं नीचे ही देखूंगा। अगर ये पूरी कोशिश करेगा कि मैं इसकी ओर देखूं, अगर मैंने इसकी ओर देख लिया तो ये बहुत मारेगा। तो यार पिकैक्स पे मैं एफिशिएंसी 3 लगा ही लेता हूँ। तो यार फाइनली मैंने एफिशिएंसी 3 लगा ली है, और बुक में भी मुझे कुछ खास नहीं मिल रहा है, तो अभी बाद में लगाएंगे और भी जो कुछ। तो अब सबसे पहले अपने ट्राइडेंट वायमेंट पे देख लेते हैं, अगर और भी हमें कुछ अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती हैं। तो सबसे पहले उठा लेता हूँ मैं अपना, तो यार सबसे पहले मैं अपना ट्राइडेंट उठा के देख लेता हूँ, और ट्राइडेंट पे देख लेते हैं हमें क्या मिल जाए। तो उससे पहले बुक रख लेते हैं, बुक में तो अभी वही सब कुछ है पुराने वाला। तो ट्राइडेंट पे हमें अनब्रेकिंग 2, अनब्रेकिंग 1 और लॉयल्टी 1 मिल रही है, और एम्पेलिंग 3 मिल रही है। तो यार एम्पेलिंग का मुझे पता लग चुका है, जो कि पिछले वाले पार्ट्स में नहीं पता था। तो एम्पेलिंग है जो अपन अंडर वाटर जाके जितने भी मॉब्स को मारोगे तो उन पर वो हाई डैमेज करेगा, और जो अगर पानी के बाहर आप उसको किसी मारते हो तो उसका असर नहीं होगा। तो यह हमारी डायमंड की पिकैक्स पे भी फाइनली इंचेंटमेंट लग चुकी है, और लक ऑफ सी और लूर की हमारे पास रखी है। तो यार लूर का ही मुझे पहली पिछले लास्ट वीडियो में नहीं पता था, तो जो है ये टाइमिंग है जो वो टाइमिंग कम कर देता है, अगर आप फिशिंग करते हो इससे तो आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है। तो यार इससे जो है कि वो उसके अगर लक ऑफ सी का इसको ये डिफेक्ट करेगा, उस पर असर करेगा। अगर आप इससे फिशिंग करते हो तो आपकी जितनी भी आपको रेयर रेयर चीज़ें मिलने के, यहाँ पर ट्रेजर मिलने के चांस है, वो कम कर देता है ये, सिंपल भाषा में कहा तो जाए तो। तो यार मुझे तो ये पानी के अंदर से मिली थी फिशिंग करते हुए, तो पहले से ही बुक में लगा हुआ था, जिसको मैं अलग नहीं कर सकता। पर आने वाले टाइम में मैं अलग से एक लक ऑफ द सी की सिर्फ एक इंचेंटमेंट की वो बनाने वाला हूँ, फिशिंग रॉड। तो यार बस आज की वीडियो में भी इतना ही, और ये पार्ट भी यहीं पर होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर लो ऑन, ताकि हमारे आने वाली नई नई वीडियोस आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।